आगरा में युवती के साथ सामूहिक बलात्कार, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर किया जा रहा था ब्लैकमेल, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। देखिए पीड़ित युवती का दिल दहलाने वाला वीडियो। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आगरा के ताज नगरी फेज 2 से एक बड़ी खबर सामने आई है। 11 नवंबर की रात को यहां पर एक होम स्टे में, ताज नगरी फेज 2 में होम स्टे में कर्मचारी युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने और फिर उसको ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, युवती के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई है और इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जिसमें यह युवती बिलक बिलक कर रोती भी नजर आ रही है। लोगों से, वहां के सुरक्षा कर्मियों से मदद की गुहार लगा रही है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों ने इन तमाम आरोपियों को रोके रखा था, जिन्हें बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम जितेंद्र मानिकचंद राठौड़ निवासी एमपीपुरा, रवि रामसिंह राठौड़ निवासी करीम नगर गोबर चौकी, मनीष कुमार चंद्रभान निवासी बसई खुर्द, देव किशोर फतेह सिंह निवासी महुआ खेड़ा। ये ताजगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाला पूरा इलाका है। अब पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही एक महिला की भी इसमें शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसे पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की एक झड़ी सी लगी हुई है। आए दिन कभी किसी मासूम बच्ची के साथ, कभी किसी नाबालिग लड़की के साथ, कभी किसी युवती या किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसकी असमत दरी की जा रही है। मगर सब चंगा है, यूपी में अब अपराधी भय के मारे थर थर कांपते हैं, क्योंकि माफिया भी मिट्टी में मिला दिए गए हैं। सब कुछ ठीक ठाक है। आप किसी भी तरह से इन घटनाओं को लेकर कोई सवाल न खड़ा करें, क्योंकि ये भाजपा शासित उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चर्चा अगर करनी है तो आप पश्चिम बंगाल की कर ले, राजस्थान की कर ले, अन्य किसी विपक्षी दल के राज्य की कर ले। मेरे दादा
शादी खत्म हुई थी एक साल पहले, मेरा प्लॉट बिगाड़ा भैया।